नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा प्राइम, मैं हूं आपके साथ राजीव ढौंडियाल। और शुरुआत गंगा प्राइम की बड़ी खबर से, और गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां पर विधायक पर मारपीट का आरोप लगा है। ये बीजेपी के विधायक है जिन पर मारपीट का आरोप लगा है, बड़ी खबर। विधायक नंद किशोर गुर्जर, इन पर मारपीट का आरोप लगा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी से मारपीट का आरोप है, तो ये बड़ी खबर आपको दे दें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष सिंह से मारपीट की गई है, और आपको ये बता दें कि आशुतोष सिंह की मनाही से गुस्साए हैं नंद किशोर। विधायक के साथ मौजूदगी बताया जा रहा है कि जो मौजूद लोग थे, विधायक के साथ मौजूद लोगों ने भी मारपीट की है। तो सिर्फ विधायक ने ही नहीं, बल्कि विधायक के साथ मौजूद लोगों ने भी मारपीट की है। और गाजियाबाद के लूनी से विधायक है नंद किशोर गुर्जर, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे दें। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, एसपी देहात ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा है मामले में एफआईआर के आदेश दिए। नीरज कुमार जादौन जो है, उन्होंने ये जानकारी दी है एबीपी गंगा के साथ जुड़कर। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, लूनी विधानसभा से बीजेपी के विधायक है नंद किशोर गुर्जर, जो हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। पहले भी कई बार ये सुर्खियों में रहे हैं, और एक बार फिर से सुर्खियों में है। और इस बार कोई अच्छे काम के लिए तो सुर्खियों में नहीं है, सुर्खियों में इसलिए क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी की पिटाई की है, मामला उनसे जुड़ा हुआ है। और नंद किशोर गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ भी गए। नंद किशोर जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, और इन आरोपों पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेहद गंभीर आप पर आरोप लगाए हैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष सिंह ने। नहीं, पहले तो एक बात बताओ, आपने हमको पहले ही आरोपित कर दिया हमारा पक्ष जाने बिना, क्योंकि हम सुर्खियों में अगर रहे हैं तो किसी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ ही रहे होंगे, हम किसी गलत बात के लिए नहीं रहे। दूसरी बात, आशुतोष सिंह जी का एक वीडियो वायरल हुआ है सारे ग्रुप में, आज मीडिया में, कि वो पैसे मांग रहे हैं दुकान खोलने के, होटल के, मास्क के जो दुकानें हैं, और मंदिर के पास दुकानें खुली थी। तो मैंने केवल एक कमेंट कर दिया उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पे कि इसके हम जांच कराई जाएगी। नंद किशोर जी, आप मुझे बताइए, क्या आपने उनके साथ मारपीट किया? कुछ तस्वीरें वो दिखा रहे हैं, फोन टूटा हुआ नजर आ रहा है। आपने और आपके सहयोगियों ने जो आपके साथ में थे, उन्होंने मारपीट किया, वो ये सीधे आरोप लगा रहे हैं? नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है। पहले मैंने बताया ना कि तो नौकरी करने वाले का जो है वो अपने अधिकारियों से कहते हैं अगर उन्हें किस तरह से किसने ये सब कराया है, बिल्कुल उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया है। दूसरी बात, वो मुझे आकर के महाराज जी के लिए बताया, मुझसे उल्टा मुझे धमकाने आए थे कि आपने जो लिखा है, और मैं ऐसा मुख्यमंत्री जी का खास आदमी हूँ, लखनऊ में गोरखपुर जो है वहां का रहने वाला हूँ, लखनऊ में मेरी मुलाकात, मुझसे कहा कि आपकी मुलाकात जब आप मिलने महाराज जी से आए थे तो मैंने ही कराई थी। तो मैंने कि चलो मैं तो नहीं जानता आपको, लेकिन महाराज जी तो इन जितने भी गलत काम है या अवैध जो बंद कराए थे उनके खिलाफ है, तो आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं? तो आप उनसे ही पूछ लो। उन्होंने फिर मुझे ये कहा कि अतुल गर्ग जी जो माननीय मंत्री जी हैं गाजियाबाद वाले, मेरे विभाग के मंत्री थे, मैंने उनको राइट टाइम कर दिया था। तो मैंने उतना जरूर मेरी गलती है, मैंने उन्हें डांटा कि इस तरह की भैया बात मेरे ऑफिस में मत करिए, और आपके साथ ठीक नहीं होगा अगर आप मेरे ऑफिस पे इस तरह की बात करेंगे, आप यहां चले जाइए। नंद किशोर जी, आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपके खिलाफ एफआईआर लिखने के आदेश दे दिए गए हैं। नीरज कुमार जादव ने एफआईआर लिखने के आदेश दिए हैं। और इस बीच में मैं आपसे उन तस्वीरों पर भी प्रतिक्रिया चाहूंगा। वो चोट के निशान दिखा रहे हैं, कैमरे पर दिखा रहे हैं बाकायदा की चोट उनको लगी हुई, और वे कह रहे हैं कि नंद किशोर गुर्जर ने मारा है मुझे, सिर्फ उन्होंने नहीं उनके सहयोगियों ने भी मारा है। मैं इस बात को लेकर स्तब्ध हूं, क्या ये संभव है? ऐसा कोई करेगा क्या? अपने घर पे बुला के, हम क्षत्रिय लोग हैं, ये हम काम नहीं करते हैं। हम ये अगर कोई ऐसी हरकत होती तो हम ऑफिस में करते उनके। तो आप यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं? मेरी बात सुनो, माननीय अतुल गर्ग जी से पूछो, उन्हें राइट टाइम करने की बात कर रहे थे। जब मैंने उनसे पता किया तो बोले ये बहुत बदतमीज आदमी है और ये सस्पेंड हुआ है, ये पाल कैसे हो गया, इसकी जांच चल रही है। तो एक व्यक्ति जो है लोगों से पैसे लूट रहा है, गरीबों से, वीडियो वायरल हो रही है, मेरा क्या अधिकार नहीं है मैं उनसे ये कहूं भाई मेरे यहाँ गलत कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा? उस बात को लेकर शिकायत से डरने के लिए वो जाकर के पता नहीं कौन सा बता रहा है कि मोबाइल तोड़ दिया, मैं मोबाइल तोड़ूंगा उसका? तो ये जांच हो इसकी, और एफआईआर दाह तक दर्ज है, ये कानून का राज है, कोई भी करा सकता है। उसकी जांच हो और वो जो सामने आएगा सब सामने हो जाएगा, लेकिन मैं खुद आश्चर्य से किशोर जी, क्योंकि आप एक विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अधिकारी के पास क्यों गए थे, आखिर ऐसी कौन कौन सी शिकायत? मैं नहीं गया अधिकारी के पास, मैं आपने आप वाली बात क्लियर नहीं है आपको, मेरे ऑफिस में आपसे जानना चाहता हूं, कॉल नहीं की वो आपके ऑफिस में आए? कॉल भी नहीं की, मेरे ऑफिस में आए थे, उन्होंने मुझे महाराज जी की धमकी दी, तो तभी मैंने उन्हें कहा कि गलत बात है, उनको बदनाम मत करिए। फिर उन्होंने माननीय अतुल गर्ग जी के लिए कहा कि मैंने उनको राइट टाइम कर दिया था, तब मैंने डांटा जरूर उनको कि सब गलत बात है, यहाँ से जाइए, अब आपकी शिकायत करूंगा। तो इस बात से या तो उन्होंने लगा कि शिकायत करेंगे, जबकि मैंने कोई शिकायत नहीं की थी।
यानी आप ये कह रहे हैं कि कुछ कोई बात भी इतनी नहीं हुई, आपने ये कह दिया कि आप जाइए यहाँ से, तो क्या वो चले गए या फिर वहां पर रुके रहे? नहीं, वो चले गए वहां से और हम भी चले गए वहां से, फिर हम भी निकल गए, हमें कार्यक्रम में जाना था। अब ये सुनते मैं तो खुद आश्चर्य में हूँ, और भी लोगों के फोन आए कि इस तरह का बवाल हो गया, मारपीट कर दिया है। आप पता करिए, वो पहले भी सस्पेंड हुए हैं, अभी माननीय अतुल गर्ग जी जिनको राइट टाइम करने की बात कर रहे हैं मंत्री जी को, और महाराज जी का कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल खास हूं, मैंने मेरी मुलाकात खुद कह रहे हैं मैंने कराई, मैं तो नहीं जानता उन्हें, मैंने तो उनका वेलकम किया ऑफिस में। लेकिन नंदकिशोर जी, जब आपको आपको धमकी उन्होंने दी, तो इस धमकी पर आपको भी फिर FIR दर्ज करवानी चाहिए थी, आपने तो नहीं करवाई थी? कोई अब यह कोई मतलब थोड़ी हुआ कि छोटी छोटी बातें हैं, मान लिया कोई कहता तो रोज FIR दर्ज कराते फिर, कोई बात तो हो कम से कम। जब कोई घटना नहीं हुई तो उसका FIR क्या कराना है? इतना तो वो अधिकारी को हमारा कहना बनता ही है कि भाई आप ये सब गलत कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा यार। ठीक है, नंदकिशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नंदकिशोर गुर्जर जिन पर आरोप लगे, उन आरोपों पर सफाई वो किस तरह से दे रहे हैं कि उनका तो सिर्फ कुछ विवाद हुआ था जबानी, वो भी उसमें हाथापाई की तो कोई मतलब ही नहीं है, मारपीट का तो कोई मतलब ही नहीं है, और वो हमारे दफ्तर में आए हुए थे और धमकी भरे लहजे में वो मारने की धमकी दे रहे थे। हालांकि दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं, जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि मारपीट की गई है, और मेरे साथ मारपीट जो की गई वो बकायदा ये दिखा रहे हैं कैमरे में कि मेरे पास मेरे साथ मारपीट की गई है, और आप देख सकते हैं चोट के निशान। अब आज प्रदेश में बदहाल होते स्कूलों की, यूपी के हमीरपुर में लगातार शिक्षा से खिलवाड़ का वीडियो वायरल हो रहे हैं, ऐसे वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं, और यहां पर एक और वीडियो वायरल हुआ है जो सूबे में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, और इस बार ये वीडियो सरीला चंडौत गांव का है जो वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल के मास्टरों ने बच्चों के हाथ में कलम की जगह झाड़ू थमा दी है। अब आप तस्वीरों को देख लीजिए, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं वहां पर, और कैसे मास्टर साहब कुर्सी पर डटे हुए हैं। और वीडियो के बारे में खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर दिया है कि विद्यालय में जाकर के स्थलीय निरीक्षण करें और बच्चों के अध्यापकों के बयान लें कि इसमें यह स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम कराया जा रहा था या सिर्फ बच्चों पे दबाव डाल करके जो भी बिंदु निकल करके आएंगे तो उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर हमीरपुर से, जहां पर अभी भी आवारा पशुओं का आतंक जारी है, और हमीरपुर जिले में आवारा पशु सड़कों पर लड़ाई करते देखे जा सकते हैं। कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि स्थिति क्या है और कितनी खतरनाक है कि लोगों की जान पर कभी भी बना सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे जो तस्वीरें ये लड़ाई करते हुए बेहद आम हो चली है, कैसे बीच में दो सांड आतंक मचाए हुए हैं आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं, सांडों की वजह से आने जाने वाले लोगों की जान पर बनाई है। प्रशासन की कार्रवाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह पहला मामला नहीं, आवारा पशुओं की लड़ाई का यह पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसे नजारे सामने आए हैं, और यहां तो खास तौर पर, लेकिन नगर निगम की ओर से कोई कार्रवाई ही नहीं की जाती। अब दो तस्वीरें आप देखें, हमने कहा कि ये कोई पहला वाकया नहीं, आप पहली तस्वीर में भी सांडों को लड़ते हुए देख सकते हैं, और भरे बाजार में ये चहल पहल वाला इलाका है जहां पर लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा रहती है, सिर्फ वो लोग ही नहीं, पैदल चलने वाले, गाड़ियों से चलने वाले लोग इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं और वहां पर ही लड़ रहे हैं, बच्चे भी इस रास्ते से स्कूल जाते हैं, लोग दुकानों में आते हैं खरीदारी करने के लिए। तो हमीरपुर की, शामली की, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की आप तस्वीरें देख लीजिए कि बेपरवाह लापरवाह बना हुआ है नगर निगम, कब कार्रवाई करेगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल दूसरी तरफ अगर हम बात करें मामले में, तो शिकायत कई बार की गई है, स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती, आखिर क्यों? क्या किसी की मौत का इंतजार प्रशासन कर रहा है? बरेली के कान्हा उपवन में हुए सैकड़ों गायों की मौत के बाद पीएमओ ने मामले पर संज्ञान लिया है, और पीएम ऑफिस से जो है यूपी के मुख्य सचिव को गायों की मौत के लिए दोषी अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी से की गई थी। यहां पर आवारा गायों की देखरेख में सीबीगंज के नदौसी में यह कान्हा उपवन बनाया गया, जो कि अब कब्रगाह गायों की बन गया है। यहां पर एक दो नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। कान्हा उपवन में जब बरेली के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने छापा मारा तो वहां पर जगह जगह गायों के कंकाल और मृत गाय मिले। मेयर ने बताया कि कान्हा उपवन में गाय ठीक से उनकी देखभाल नहीं हो रही है,
यहां पर नगर निगम का अफसर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। गाय को भरपेट चारा, चोकर, हरी घास नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से यहां पर 100 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। और इतना ही नहीं, यहां पर रोज औसतन 2 से 3 गायों की मौत हो रही है। मामले की शिकायत जब मेयर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी से की, तो पीएमओ के सेक्शन ऑफिसर जितेंद्र कुमार ने यूपी सरकार के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए। मेरठ में दबंग पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने एक युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी और इस दौरान आसपास खड़े लोगों ने मोबाइल फोन में वीडियो कैद कर लिया और अब यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पेट्रोल पंप पर कम पेट्रोल डालने को लेकर युवक ने प्रदर्शन किया, विरोध किया। इसके बाद जब ये विरोध कर रहा था तो इसके विरोध करने पर इसी की पिटाई कर डाली। इसकी शिकायत थी कि पेट्रोल कम दिया जा रहा है और जब ये शिकायत उसने वहां पर सबके सामने रखी तो उसके बाद वहां पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने इसके साथ ही पिटाई कर दी। और आपको बता दें कि ये कोई पहली शिकायत नहीं है कि पेट्रोल पंप के कर्मचारी कम पेट्रोल दे रहे हैं, पहली भी शिकायतें आती रही हैं और इस मामले में कई सारे पेट्रोल पंप बदनाम भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई देखता नहीं है। और अब जब ऐसी एक शिकायत एक युवक ने की, उसकी शिकायत का निवारण कुछ इस तरह से किया जा सकता था कि उसको मापा जा सकता था कि जो पेट्रोल उसको दिया है क्या वो उसकी मात्रा पूरी है या नहीं है, लेकिन उसके साथ मारपीट की गई। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है और बदमाश उमेश पंडित के पैर में इसमें गोली भी लगी है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं और बदमाश के कब्जे से पुलिस को AK-47 मिली है। थाना बिजरा क्षेत्र में यह कार्रवाई हुई है, यह मुठभेड़ हुई है जिसमें बदमाश के पास AK-47 मिली है और इस बदमाश का नाम उमेश पंडित बताया जा रहा है। उमेश पंडित, इसके पैर में गोली लगी है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ऑपरेशन क्लीन के तहत एक और बड़ी कार्रवाई। उमेश पंडित एक ये कुख्यात बदमाश, पैर में इसके गोली लगी है। बदमाश अब पुलिस के कब्जे में है और इसके पास से AK-47 राइफल मिली है। थाना बिस्सा क्षेत्र में यह कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में होमगार्ड ड्यूटी मामले में शासन के आदेश पर चल रही जांच में प्राइमरी जांच के बाद एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और एसएसपी का दावा है कि 7 थानों में जांच रिपोर्ट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। पूरी जांच के बाद ही घोटालेबाजों के नाम सामने आएंगे और उसके बाद ही कार्रवाई होगी। तो 7 थानों में 100 से ज्यादा होमगार्ड की ड्यूटी लगाई नहीं गई और बिना ड्यूटी लगाए ही उनकी तनख्वाह निकाली गई, जिसमें एसपी सिटी ने कोतवाली नगर में होमगार्ड कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। एसएसपी का कहना है कि अभी 20 थानों में लगाए गए होमगार्ड ड्यूटी की जांच की जा रही है और एसएसपी का दावा यह है कि अभी एक और बड़ा घोटाला सामने आ सकता है और फिलहाल अभी 7 थानों में जो होमगार्ड ड्यूटी घोटाला पाया गया है उनमें एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और बाकी 20 थानों में भी इसी क्रम में जांच करवाई जाएगी। लखनऊ के रिवरफ्रंट घोटाले में हुई प्रारंभिक जांच सीबीआई ने पूरी कर ली है और इस पूरे मामले में 8 इंजीनियर पर कार्रवाई की तैयारियां हैं। सीबीआई ने कई टेंडर में अलग अलग एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की है। इसके लिए सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने मुख्यालय से अनुमति भी मांगी है। बता दें आपको कि गोमती रिवरफ्रंट पर लगे सामानों में अधिक भुगतान का इंजीनियर पर आरोप है, यानी कि जितनी लागत नहीं या जितना उसमें भुगतान लगना था उससे ज्यादा पैसे लिए गए हैं और उसमें मिली हुई रकम में इन लोगों ने बंदरबांट की है। तो इस तरह के आरोप है बंदरबांट का और मामले में अब कार्रवाई की तैयारियां की जा रही हैं। और बात कांग्रेस विधायक अदिति सिंह की, अदिति सिंह की सदस्यता समाप्त करने के लिए कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने याचिका दाखिल की है और उन्होंने कहा है कि अदिति सिंह ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर हुए 36 घंटे के विशेष विधानमंडल सत्र में हिस्सा लिया था, इसी को लेकर उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए आराधना मिश्रा ने याचिका दी है।
ग्रेटर नोएडा में हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य की हत्या कर दी गई है और सदस्य संदीप नागर के बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि परिवार का आरोप है कि उनके दोस्तों ने ही संदीप नागर की हत्या की है, जबकि पुलिस का कहना है कि संदीप नागर हिंदू युवा वाहिनी का कोई नेता नहीं था। और हत्या के पीछे पुलिस की प्रारंभिक जांच में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक शराब पीने को लेकर हुए विवाद में संदीप की हत्या कर दी गई है। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस ये भरोसा दिला रही है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य की हत्या कर दी गई है और आपको बता दें कि भले ही ये नहीं मान रहे हो कि वो सदस्य नहीं था, लेकिन हिंदू युवा वाहिनी का कहना है कि वो सदस्य था। थाना धनकौल क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली है, एक संदीप नागर नाम के व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया सिर के पीछे संभवतः गोली लगी है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्लियर होगा कि किस तरीके का घाव है। इसमें शराब पीने को लेके विवाद संज्ञान में आया है, पारिवारिक ही प्रकरण है। कुछ लोगों के द्वारा इस तरीके की भी बातें फैलाई गई कि हिंदू युवा वाहिनी के कोई पदाधिकारी है, लेकिन इस तरीके की बात गलत है। ये कोई पदाधिकारी किसी राजनीतिक संस्था में अभी नहीं है। मुकदमे में जल्दी गिरफ्तारी की जाए। यहाँ पर इसके दोस्त थे लड़के के, जिसको घर से लिया गया सात को 8 बजे रात को, और रात को ला के फिर इनके साथ ही रात को रहे थे। सुबह को यहीं पर अपना रिश्ता पर छोड़ गए, गोली सिर में लगी है और मारा भी है। वैसे भी आँख पाँख की सारी फूटी फूटी पड़ी है। क्या नाम क्या है इनका? संदीप नागर। संदीप नागर, संदीप नागर। सपा शासन में हुए खनन घोटाले में सीबीआई लगातार एक्शन मोड में है। इस मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई टीम ने आज सपा एमएलसी रमेश मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया, जहां पर उसने उनसे जो है 4 घंटे तक पूछताछ हुई। आरोप है कि सपा शासनकाल में रमेश मिश्रा को तत्कालीन डीएम बी चंद्रकला ने कई पट्टे दिए थे, जिसके बाद रमेश मिश्रा के खिलाफ सीबीआई ने पहले ही एफआईआर दर्ज कर ली थी और अब उनसे पूछताछ के लिए सीबीआई ने उन्हें तलब किया। इससे पहले कल डीएम ऑफिस में जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी और एडीएम विनय श्रीवास्तव भी, उनसे भी लंबी पूछताछ हुई और इस दौरान सीबीआई ने साल 2012 में हुए मोरंग के पट्टों की भी जानकारी ली। साथ ही उनके समय में हुए पट्टों की फाइल भी सीबीआई ने तलब की है। इसके अलावा पूर्व असला बाबू राजकुमार और सपा एमएलसी रमेश मिश्रा के मुनीम को भी सीबीआई ने कैंप कार्यालय में तलब कर पूछताछ की। सीबीआई ने प्रधान डाकघर से भी कुछ चिट्ठियों का ब्यौरा लिया। सीबीआई ने इस मामले में 78 लोगों को नोटिस भेजा है। सीबीआई की इस कार्रवाई से मोरंग व्यवसायों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें आपको कि मामले में तत्कालीन डीएम जी श्रीनिवास लू भी सीबीआई के रडार पर आ गए हैं और उनके आवास पर भी सीबीआई छापेमारी कर सकती है। ग्रेटर नोएडा बादलपुर पुलिस ने सेना में फर्जी तरीके से भर्ती करवाने वाले गिरोह के 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है और ये ठग फर्जी दस्तावेज तैयार कर युवकों से लाखों रुपए लिया करते थे। हैरान कर देने वाली बात यह है कि गिरफ्तार किए गए 3 शातिरों में 2 सेना के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, आदेश कुमार और लव कुमार। ये दोनों ही सेना से रिटायर हो चुके हैं और उनके पास से फर्जी दस्तावेज, 6 मोबाइल फोन, प्रिंटर, लैपटॉप, एक कार और कुछ अस्पताल के भी फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक सेना में भर्ती के नाम पर ये एक युवक से 5 से 7 लाख रुपए लिया करते थे और ये काफी लंबे वक्त से इस तरह के गोरख धंधे में लिप्त थे और इस काम को अंजाम दे रहे थे। नहीं रुक जाओ भाई, पीछे करेंगे।